जी मेरा नाम है आमना इस वक्त मैं मौजूद हूँ शान सहूर के सेट पे और मुझे जॉइन करेंगी मुल्क की आई थिंक मोस्ट इस्टेब्लिश्ड मॉर्निंग शो होस्ट एक्सट्रीमली लवली पर्सन समबडी हु पीपल लव टू टॉक अबाउट शी स्टडी इंग फैशन डिज़ाइन इज़ वेल अपने कपड़े बस एक्सपैंड कर रही है अपना पूरा जो उनका रेंज है ना इट्स रियली रियली वेरी वेरी डायनामिक आई लाइक टू वेलकम द ये वही सीढ़ियां हैं जिससे मैं सारे मेहमानों तो को बुलावाती हूं को आप मुझे बुला रही हैं आपको कैसा लग रहा है आज मेहमान बनके अपने शो पे आपको मुश्किल लग रहा है मैं नर्वस हो रही हूं कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं आप मेरी कुर्सी पे बैठ सकती हैं मैं यहां मेहमानों की कुर्सी पे बैठती तो। हूं आप आज आप आज मेहमान हैं और बैठने द निदा वेलकम टू योर ओन शो

यासर ने कहा था कि एक साल करना बस देखो कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है हाँ। वो एक साल फिर एक साल और कर लू एक साल और कर लू करते करते पता ही नहीं चला कि माशाल्लाह पंद्रह साल हो गए अगर पंद्रह साल पहले वाली निदा को हम पूछें हाँ। कि पंद्रह साल बाद क्या होगा तो वो क्या आपका ख्याल था आ, मुझे ये पता है अपने ऊपर हमेशा से कॉन्फिडेंस है कि मेहनत बहुत करती हूँ हर चीज के हाँ। लिए सो so, कुछ ना कुछ रिजल्ट उल्टा पुल्टा करके निकाल ही लेती हूँ uh, तो थोड़ा सा तो थो था आइडिया मेहनती हूँ जो भी करूँगी कुछ ना कुछ तो नाम बना ही लूंगी लेकिन ये नहीं पता था कि पंद्रह साल तक, चले हाँ। तो... कब तक चलेगा ये नहीं पता नहीं नहीं इंशाल्लाह चलेगा नहीं तो हाउ डू यू कीप लाइक की किस तरह आप रिक्रिएट करते हो अपना शो कि वो बातें बासी नहीं होती या लोग तंग नहीं आते लोग देखते हैं ऑडियंस भी आपकी बढ़ रही है हर साल मैसेज आपको देखते हैं हाँ। क्या वॉट इज द ट्रिक क्या know, क्या जादू ये, है ये, ये जो बातें करने वाला चीज है ना ये सब हाँ। अंदर से होता है मैं वैसे ही बातों नहीं हमेशा से बातें करने का शौक था एंड पीपल्स पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना कोई भी सिर्फ सेलेब्रिटी नहीं कोई एक आम इंसान भी हो ना मुझे उससे बातें करने में बहुत मजा आता है उसके बारे में जानने में वैसे ही मेरी लाइक like, मेरी नेचर है So, अब मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं तो फिर इससे और क्या <laughs> <laughs> चाहिए? मुझे बातें करने का शौक था और यही करना था मुझे मुझे तो नहीं पता था कि मुझे यही करना है हुँ. वो तो मजबूरी में एक्टिंग का टाइम नहीं है तो चलो होस्टिंग कर लेते में डिस्कवर होता है आप तो आप तो ये करने के लिए आए हैं शोब में खासतौर पर खबात जब सक्सेसफुल होती हैं तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में छुट जाता है बहुत लोगों ने कहा है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी हमारी पर्सनल लाइफ सफर कर रही थी आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कहीं पे कोई सफर किया है बिकॉज ऑफ योर वर्क ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो सफर नहीं करती अगर आपकी मैरिड लाइफ है या आपके बच्चों की लाइफ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ग्राफ्स होते हैं हमेशा हर वक्त अच्छा नहीं गुजरता

मैच्योरिटी आई लोगों से मिलने से बहुत कुछ सीखा हाँ। सो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ को हैंडल करना आया अभी भी कभी कभी नर्वस होते हो शो शुरू करने से पहले हाँ, कि नहीं होती हो होती हो हाँ कभी कभार हाँ पता नहीं क्यों कोई मेहमान मुश्किल हो तो नर्वस होती हो मेहमान नहीं मुझे लगता है कि जब मैं बुरी लग रही हूँ तब हाँ ज्यादा ओवर मेकअप हुआ हुआ है या अच्छी नहीं लग रही हूँ कपड़े अच्छे नहीं है या मूड नहीं अच्छा घर पे फड्डा हो तो कोई मसला नहीं, नहीं। है वो तो शो मेरा टॉनिक की तरह होता है हाँ। वो तो मसला नहीं है लेकिन आ, कभी कभार एस, अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं अच्छी नहीं लग रही मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं फिजिकल नहीं नहीं अच्छी नहीं लग अच्छी लग तो कितना मुश्किल है मेंटेन करना अपने आप को कैमरे के लिए उम्र ना नजर आए उम्र का मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो मुझे फखिर फील होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं मैं भी ग्रो कर रही हूँ

निकला है मुंह से और क्या बन गया लेकिन अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ और कभी कभार उस मोहतात होने में मुझे लगता है जो मेरी आ, थी मैं उसमें मुझे लगता है थोड़ी कमी आई है फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ अब मैं इतना अगर स्ट्रेस लूंगी इतनी टेंशन लूंगी तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो ये मेरे फेजेस होते हैं कभी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ और कभी कहती हूँ जो होना है होने दो Hmm. ये वाली चीज़ एज 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 अ स्टार ऑन योर शो और मुल्क की भी इतनी बड़ी आप स्टार हैं आपको अपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एज अ वमन एज अ सक्सेसफुल वमन आपको कुछ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी मुझे आ, मैं उस तरह नहीं कह सकती कि मैं माशरा बदल दूंगी मैं खातन का दिल बदलना चाहती हूँ hmm. uh, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक वो अपने आप से प्यार नहीं करेंगी उनसे कोई प्यार नहीं करेगा hmm. सो so, मैं पूरा माशरा तो नहीं बदल सकती लेकिन मैं उस औरत को बदल सकती हूँ जो अगर खुद खुश नहीं रहेगी ना तो hmm. घर खुश नहीं रहेगा मर्दों को बदलने की जरूरत नहीं है आ, वो मेरा मुझे नहीं आता बदलना मैं अपने मियाँ को ही नहीं बदल पाई <laughs> मैं किसी और के को क्या बदलूंगी ठीक <laughs> ठीक है थीक है वो मेरा फोटो नहीं है फोटे नहीं है बट देता थैंक यू सो मच मुझे पता है आपका लाइव शो शुरू होने वाला है सो आई टेक मोर ऑफ योर टाइम बट ऑलवेज अ मेरे ख्याल है आप इंस्पिशन है औरतों के लिए एंड रियली इतना पॉजिटिव आपका एक आउटलुक है आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है मेरे ख्याल है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए औरतों को तो दूसरी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए हाँ, खैर तो बहुत सारे प्यार भी करते हैं हाँ। सो अगर 10 साल कहने वाली बहुत हैं आपके 10 में से दो अगर थोड़ा सा कुछ कह देते तो, तो मैं कहती हूँ कोई बात कोई बात नहीं ओवर मेकअप हुआ हुआ है या हाँ। अच्छी नहीं लग रही हूं कपड़े अच्छे नहीं है या मूड नहीं अच्छा घर पे फड्डा हो तो कोई मसला नहीं तो शो मेरा टॉनिक की तरह होता है हाँ। वो तो मसला नहीं है लेकिन आ, कभी कभार एस, अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं अच्छी नहीं लग रही मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं फिजिकल अपेयरेंस नहीं अच्छी नहीं अच्छी तो कितना मुश्किल है मेंटेन करना अपने आप को कैमरे के लिए उम्र ना नजर आए उम्र का मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो मुझे फील होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं मैं भी ग्रो कर रही हूँ उम्र का मुझे नहीं होता मुझे होता है जो भी उम्र हो आप अच्छे लगो बस ग्रेसफुल right, right. उसको कैरी करो अच्छे से हाउ yeah. डू भी जितना कोई पॉपुलर होता है उतना हाँ. ही बड़ा वो टारगेट बन जाता है हाँ. और आपकी पुरानी की सो मच थैंक यू सो मच